हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंह की बदबू के बारे में, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप मुंह की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो क्या आपको अपने डेली लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, साथ ही साथ क्या मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, क्या घरेलू उपाय करने चाहिए, और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन क्या है मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह की बदबू के कारण क्या है। मुंह की बदबू के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मुंह की बदबू का कारण हाइजीन मेंटेन करना नहीं है। हालांकि ये हाइजीन मेंटेन नहीं करने से ही स्टार्ट होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन भी कर रहे हैं, ब्रश भी फुल कर रहे हैं, उसके बावजूद मुंह की बदबू बनी रहती है। इसके अलावा जो आपकी लाइफ स्टाइल है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, आप हाइड्रेटेड पूरे नहीं रहते हैं, यानी कि अगर आप पानी कम पीते हैं, आपके पाचन में कुछ डिस्टर्बेंस है, पाचन संबंधी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, डाइजेशन आपका अपसेट रहता है, या डाइजेशन आपको लगता है कि आपका नॉर्मल है लेकिन अंदर कोई ना कोई आपको घातक बीमारी है पाचन से रिलेटेड, तो भी आपको मुँह से बदबू आ सकती है। पायरिया के अगर आप शिकार हैं, पायरिया मीन्स मसूड़ों से खून आना, और जो गम से आपके जो मसूड़े हैं वो स्पंजी हो गए, उनमें सूजन आ गई है, उसके कारण दांतों का किसी तरह का आपको संक्रमण हो गया है, आपके दांतों में या तो कैविटी है या फिर उनका सड़ना शुरू हो गया है, तो भी हो सकता है कि आपकी मुंह से बदबू आने लग जाए। इसके अलावा जो खान पान होता है उससे भी कई बार ऐसा होता है कि मुँह से बदबू आए, जैसे लहसुन प्याज जो जैसी जो तेज गंध वाली चीज़ें होती है उनसे भी कई बार मुँह से बदबू आने लगती है। अगर मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। मुंह के बदबू से बचने का सबसे बेस्ट और सबसे सही मैनेजमेंट यह है कि आप ब्रश प्रॉपर्ली करें और दोनों टाइम करें, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मुंह से बदबू नहीं जा रही तो आपको और दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आपकी मसूड़ों में सूजन तो नहीं है, आपको दांतों की कोई और तकलीफ तो नहीं है, इसके अलावा पाचन से रिलेटेड आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, क्योंकि टेंशन लेने से स्ट्रेस लेने से भी कई बार सांस से बदबू मुंह की बदबू से सफ़र करना पड़ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपना आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि अनियमित खान पान के साथ साथ अगर आपकी जीवन शैली जो वो दिनचर्या जो है वो शेड्यूल्ड नहीं है, अनशेड्यूल्ड है, तो भी हो सकता है आपकी मुंह की बदबू जो है वो ना जाए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ पाचन से रिलेटेड अगर आपको कोई गड़बड़ियाँ हैं तो अपना डाइट चेंज कीजिए। इसके साथ ही साथ आप जो अपना खान पान है उसको उसमें फाइबर युक्त चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कीजिए। मैदा फास्ट फूड वाली जो चीज़ें होती है वो ना केवल डाइजेशन को अपसेट करती है, इसके अलावा ही जो अपने हमारे दांत होते हैं उनकी सेहत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आप फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, मैदा से युक्त चीज़ें इनका त्याग करें और फाइबर से युक्त जो चीज़ें हैं वो सारी लें। इसके साथ ही साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो आप उसको अपना सकते हैं और मुंह की बदबू से निजात पा सकते हैं। इसमें घरेलू नुस्खों में सबसे ईजी और सबसे फास्ट जो वर्क करता है, जिसका आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलता है, वो है लौंग और इलायची। जी हाँ, आप एक लौंग और एक इलायची अपने मुंह में रखिए, आपको उसी समय से महसूस होने लगेगा कि आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही। आप बोलेंगे कि ये तो कोई भी बता सकता है, इलायची और लौंग तो वैसे ही खुशबू देते हैं और ठीक है, जब तक हम लेंगे उससे वो तब तक हमारे मुंह की बदबू को दूर रखेगी, उसके बाद तो वापस बदबू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप रेगुलर एक इलायची और एक लौंग दिन में 2 से 3 बार यूज़ करते हैं जरूरत के अनुसार, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो पाचन है वो भी सुधरता जा रहा है और मुंह की जो बदबू है वो भी ठीक हो रही है। इसके साथ ही साथ जो लौंग होता है वो दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में बहुत यूज़फुल होता है, चाहे दांतों का दर्द हो चाहे पायरिया हो, उसके अंदर जो लौंग है वो काफ़ी मदद करता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लौंग और इलायची का। तो आप लौंग और इलायची लें। इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नुस्खा है सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांतों पर लगाने का। सरसों के तेल में आप एक चुटकी नमक, सेंधा नमक स्पेशली, अगर आप डाल के अपने दांतों पे मसल लेते हैं और उसे कुछ देर रहने देते हैं तो भी ये आपके सांस की बदबू, मुंह की बदबू को उससे आपको निजात दिलाने की कोशिश करता है और काफ़ी हद तक ये नुस्खा कारगर है, आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको मुंह की बदबू से बिल्कुल निजात दिला सकता है हमेशा के लिए।
तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, आप लक्षणों के अनुसार उन्हें ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा कॉम्बिनेशन है, जो मैं अधिकतर पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ, वो है कैलेंडुला 30 मेडिसिन। इसको 2 बूंद दिन में आपको 3 बार लेना है। कैलेंडुला 30 जो मेडिसिन है, ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, और अगर आपके मुंह में पायरिया भी है इवन, तो भी अगर आप रेगुलर इसको 2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, तो भी ये आपके पायरिया को भी ठीक करेगा, साथ ही साथ आपके मुंह की बदबू को भी दूर करने का काम करती है। विदाउट पायरिया भी आप कैलेंडुला 30 मेडिसिन ले सकते हैं, मुंह की बदबू को ठीक करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करती है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक कॉम्बिनेशन भी बताना चाहूंगी, जिसको आप माउथ गर्गल के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 से 3 बार आप उसको ब्रश करने के बाद भी कुल्ला कर सकते हैं, और 2-3 बार भी आप उसको माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में 4 मेडिसिन से कैलेंडुला मदर टिंचर, इचिनेशिया मदर टिंचर, एजाडिरेक्टा मदर टिंचर, प्लांटेको मदर टिंचर, ये जो 4 मेडिसिन है, ये इनका आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। 20-20 ml 4 मेडिसिन आप लेके 100 ml की बोतल में इकट्ठा कर सकते हैं, और इसको आधे कप पानी में आप दिन में 2 से 3 बार 10-10 बूंद, इसकी 10-10 बूंद डाल के 2 से 3 बार आप माउथ गर्गल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी माउथ की जो स्मेल है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए वो भी आप करते रहें, उनके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये मेडिसिन भी आप साथ में यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी मुंह की बदबू से निजात भी मिल जाएगी, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए मुंह की बदबू से छुटकारा पा जाएंगे। इसके अंदर जो 4 मेडिसिन है, मैं उनका आपको वर्क बता देती हूँ। कैलेंडुला मदर टिंचर जो है वो अच्छी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, ये जो मुँह की सड़न होती है उसको और बढ़ने से बचाती है, मुँह की सड़न को ख़त्म करती है। एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर जो है वो नीम की से बनी हुई मेडिसिन है, इसका भी वर्क एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, इसके अलावा ये एलर्जी को भी ख़त्म करती है, और नीम के गुणों से हम सभी भली भांति परिचित है, यह हमें डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करती है, और अगर शुगर के कोई पेशेंट है तो वो भी जानते होंगे कि नीम जो है वो शुगर को भी कम करती है, साथ ही साथ मुँह की सड़न को भी रोकती है, शरीर में के किसी भी पार्ट में अगर सड़न हो रही है तो उसको रोकती है, फोड़े फुंसी को ठीक होती है करती है। इसी तरह अगर मुंह में पायरिया भी है तो नीम का जो दातुन है वो काफ़ी लोग करते हैं, तो वो भी जानते होंगे कि नीम कितनी गुणदायी मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है मदर टिंचर एजाडिरेक्टा इंडिका, वो नीम से ही बनी है। इसके अलावा इचिनेशिया मदर टिंचर जो वो एलर्जी को ख़त्म करने का काम करती है, और प्लांटेको मदर टिंचर जो दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करती है। तो आप ये मेडिसिन कैलेंडुला 30 और ये जो 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए, और कैसा रिजल्ट रहता है आप मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी आपको लगता है कि यूज़फुल है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ मैं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस मिलते हैं वीडियो के, मेरे जो जितने भी वीडियोस आते हैं उनके सारे आपको नोटिफिकेशंस मिले, और आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।